नमस्कार मित्रों, आज आप खूब महत्व की जानकारी लेने आया छे। ये जानकारी आपना माटे खूब इम्पोर्टंट है अथवा तो आपना ग्रुप माटे खूब इम्पोर्टंट है। ए छे के जो तमारु दसमा नु अथवा तो बारमा नु कोई सर्टिफिकेट खोवाई गयु होय अथवा आपने मळतु न होय अथवा तो आपने नव कढावानु होय, पछे तमारु रिजल्ट होय शके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होय शके अथवा तो एनी मार्कशीट होय शके अथवा कई भी होय शके, तो दस अने बारना कोई पण सर्टिफिकेट माटे तमारे पहला गांधीनगर जवू पड़तु हतु, परंतु सरकारे हमणा खूब ज सरस व्यवस्था करी छे। आप अपना मोबाइल थी अथवा तो पीसी थी ऑनलाइन एप्लाय करी अने सर्टिफिकेट तमारी घरे ज पहोंची शके छे। तो केवी रीतना पहोंचे छे, शू प्रोसेस करवानी छे, केवी रीतना प्रोसेस करवानी छे, तमाम वस्तु आजना वीडियो में जोशु। वीडियो ने स्कीप नहीं करता, पूरो जोजो अने आ तमाम लोगों ने शेर करजो, कारण के कोई ने कोई ने दस अने बार ना सर्टिफिकेट नी हमेशा जरूर रहे छे। चैनल ने अत्यारे सब्सक्राइब करजो। हाँ तो फ्रेंड्स, जनरली धोरण दस अने धोरण बार ना सर्टिफिकेट्स हमेशा आपने केरियर में कैंक ने कैंक जरूर रहती ज होय छे, परंतु घणी वक्त एवं थतु होय छे के आ सर्टिफिकेट का तो आपणा थी मिस थई गया होय छे, खोवाई गया होय छे अथवा कैंक मुकाई गया होय छे अथवा डेमेज थया होय, कोई पण कारण होय शके। तो जो नवू सर्टिफिकेट एटले के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जोतू होय तो तमारे छेक गांधीनगर जवू पड़तु हतु, एक लांबी प्रोसेस करवी पड़ती थी, परंतु सरकारे हमणा हमणा एक खूब ज सारी सुविधा करी छे। ए सुविधा मुजब आप ऑनलाइन एप्लाय करी दो अने एप्लाय नी अंदर बहु ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नी जरूर नथी। आपनी पासे जो जेरोक्स होय ए सर्टिफिकेट नी तो खूब ज ईजी थई जशे, पण मानी लो के तमारी पासे कशुं नथी, ए सर्टिफिकेट ना नंबर नथी, जेरोक्स नथी, कशुं नथी, तो पण आपणे स्कूले जई अने एक सामान्य लेटर तमारी स्कूले थी जो कढावी दो अने लेटर ना आधारे आप ऑनलाइन अरजी करी दियो तो तमने सरकार छे घरे पोस्ट मां एनुं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मोकली आपे छे, जे खूब ज महत्वनुं होय छे। तो घणा लोको मैं जोया छे के घणा लोको ने आ सर्टिफिकेट जोता होय परंतु गांधीनगर जवानी तैयारी होती नथी अथवा तो गांधीनगर जईने पण खूब ज लांबी प्रोसेस होय छे। तो आखी प्रोसेस जोईए के केवी रीतना तमारे आ सर्टिफिकेट मेळववा। सौ प्रथम नीचे जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपेली छे तेनी उपर क्लिक करशो अथवा तो गूगल पर जाइए आप जीएसबी सर्च करशो एटले आ जे तमने स्क्रीन पर देखाय छे एवी साइट आवशे। ते साइट उपर आ जे रजिस्ट्रेशन फॉर्म छे जेमां सामान्य माहिती एंटर कर्या बाद तमे रजिस्ट्रेशन करी आगळनी प्रक्रिया पूर्ण करी शकशो। तो सौ प्रथम आपणे रजिस्ट्रेशन करीए। रजिस्ट्रेशन में हाल तमारे तमारुं पूरुं नाम, जाति अने जन्म तारीख तेमज तमारुं रेसिडेंशियल एड्रेस जेवी सामान्य माहिती नाख्या बाद तमारे रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करवानुं रहेशे। नाम नाख्या बाद तमने जाति पूछवामां आवशे, जाति एंटर कर्या बाद तमने जन्म तारीख पूछवामां आवशे। खास ध्यान राखजो के आ माहिती नेक्स्ट ज्यारे तमे फॉर्म फिलअप करशो त्यारे ऑटोमेटिक सबमिट थई जशे, एटले आ माहिती जरा ध्यान राखीने पूर्ण करवी। त्यारबाद आपणे आपणुं रेसिडेंशियल एड्रेस जेमां स्टेट अने डिस्ट्रिक्ट आपणे सिलेक्ट करवानुं रहे छे, ज्यारे आपणे अहीं अत्यारे गुजरात सिलेक्ट करीशुं जे फर्स्ट रो में पहलू ज छे। गुजरात सिलेक्ट कर्या बाद तमारे जे ते डिस्ट्रिक्ट लागू पड़तुं होय ए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करवानुं रहेशे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर्या बाद तालुका ने तमारे तालुका अथवा तो ब्लॉक ने तमारे मेन्युअली एंटर करवानुं रहेशे। त्यारबाद तमारा गामनुं नाम पण मेन्युअली एंटर करवानुं रहेशे। त्यारबाद तमारे तमारुं पूरुं सरनामुं एंटर करवानुं रहेशे जेथी तमारा डॉक्युमेंट तमारा जे दस्तावेज छे ते बाय पोस्ट तमने मळी शके। एड्रेस अने मोबाइल नंबर एंटर करवामां खास ध्यान राखजो, कारण के आ एड्रेस उपर ज तमने तमारा दस्तावेजों मळवाना छे, तेमज तेनी जे काई प्रक्रियाना एसएमएस छे ते आज मोबाइल नंबर उपर तमने मळवाना छे। पिनकोड अने मोबाइल नंबर एंटर करशुं। मोबाइल नंबर एंटर कर्या बाद तमारे तमारुं ईमेल आईडी पण एंटर करवानुं रहेशे, जेथी ओटीपी अने पासवर्ड रिसेटनी जे रिक्वेस्ट छे ते तमने ईमेल अथवा तो मोबाइल थ्रू मळी शके। આગળની પ્રક્રિયા ઉપર જાણીએ તો તમારે એક પાસવર્ડ પણ રાખવાનો થશે। આ પાસવર્ડ મિનિમમ 5 આંકડાનો હોવો જોઈએ। પાસવર્ડની મદદથી તમે ભવિષ્યમાં લોગિન થઈ શકશો અને તમારી જે અરજી કરેલી છે દસ્તાવેજો માટેની એનું સ્ટેટસ પણ જાણી શકશો।
रजिस्टर उपर क्लिक कर्या बाद तमारा मोबाइल में एक ओटीपी आवशे, जे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बंने में सेम ओटीपी आवशे। ओटीपी एंटर करवानी रहेशे। ओटीपी एंटर कर्या बाद तमे सक्सेसफुली रजिस्टर थई गया छो एवो मेसेज आवशे। त्यारबाद तमारे लॉगिन थवानुं रहेशे। लॉगिन में मोबाइल नंबर और पासवर्ड नाख्या बाद तमने पूछवामां आवशे के तमारे कया दस्तावेज एटले कया सर्टिफिकेट माटे अरजी करवी छे। हाल हूँ अहीं दसमा धोरणना डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जे मारुं खोवाई गयेल छे एना माटे अरजी करूँ छूँ। सबमिट आप्या बाद थोड़ी घणी सूचनाओं तमने जोवा मळशे, जेनी अंदर तमने विविध दस्तावेजों अरजी करवा माटे महत्वपूर्ण सूचनाओं छे, जेम के धोरण दस बारनुं माइग्रेन सर्टिफिकेट, जेनी फी, कया कया दस्तावेजों की नकल तमारे अपलोड करवानी रहेशे, तेमज खानगी उम्मीदवार तरीके परीक्षा आपनार विद्यार्थीए पार्सिंग सर्टिफिकेट अपलोड करवू फरजियात छे। साथे साथे तमारे जो कोई सोगंदनामू अथवा तो स्कूल तरफथी आपवामां आवेल दाखलो जो अपलोड करवानो रहेशे तो तेनी माहिती पण अहीं हशे, जे अहीं तमे नमूनो डाउनलोड पण करी शको छो। अहीं स्क्रीन उपर जोई शको छो के नमूनो जोवा माटे अहीं क्लिक करो, त्यांथी तमे पीडीएफ फाइलमां नमूनो डाउनलोड करी शको छो। तेने प्रिंट करीने तेमां जरूरी माहिती फिलअप करीने जरूरी सही सिक्का, जेम के शाळाना आचार्यना सही सिक्का, वालीनी सही वगैरे माहिती पूर्ण करीने आप आगळना स्टेपमां ज्यारे अपलोड करवानुं कहे सर्टिफिकेट त्यारे अपलोड पण करी शको छो। साथे साथे अहीं रिपीटर उम्मेदवारों के अन्य कोई उम्मेदवारों कई रीते आनी प्रक्रिया करी शकशे ते तमाम माहिती अहीं आपवामां आवी छे। त्यारबाद आपणे आगळ वधवानुं छे। हाल मारा एक मित्रनुं जे धोरण दसनुं सर्टिफिकेट छे ते खोवाई गयेल छे, तो तेना माटे अरजी करीश, ज्यां तमने अत्यारे ज अरजी करो नामना बटन उपर क्लिक करता अमुक माहिती आपणे जे अगाउ आपेली हती रजिस्ट्रेशन दरमियान ए माहिती ऑटोमेटिक अहीं फॉर्ममां फिलअप थई जशे, ज्यां तमारे मात्र नेसेसरी एटले के जे महत्वनी माहिती छे एज एंटर करवानी रहेशे, जेम के सीट नंबर, बादमां तमारे सर्टिफिकेट जोईए छे के माइग्रेशन सर्टिफिकेट जोईए छे, पासिंग सर्टिफिकेट जोईए छे, शुं जोईए छे एना विशे माहिती अपलोड करवानी रहेशे। त्यारबाद तमारे नीचे जे ऑप्शन आपेलो छे जेना शरतो अने नियमो जे तमने मंजूर होय त्यारबाद तेने क्लिक करी नेक्स्ट उपर क्लिक करवानुं रहेशे। त्यारबाद अहीं तमारे रीजन पण आपवुं पड़शे के तमे शा माटे डुप्लिकेट दस्तावेजनी अरजी करो छो, जेना माटे जेम के मारा एक मित्रनुं जे सर्टिफिकेट छे ते एने ट्रावेलिंग दरमियान खोवाई गयुं छे, तो अहीं हुं एने रीजन सब लखीश। त्यारबाद हुं नेक्स्ट उपर क्लिक करीश जेथी मारी आ अरजी सबमिट थशे। नेक्स्ट उपर क्लिक कर्या बाद तमने थोड़ाक दस्तावेजोनी अपलोड करवा माटेनो एक ऑप्शन आवशे, जेनी अंदर तमारे एसआर लेटर अथवा तो दसमानी जे तमारे मारुं कहे अत्यारे हुं दसमा धोरणनी अरजी करूँ छूं तेनी हॉल टिकीट अने आइडेंटिटी प्रूफ आ सबमिट करवानुं। सबमिट कर्या बाद तमारी अरजी सबमिट थई जशे अने तमने आगळनी जे काई माहिती हशे एसएमएस के ईमेल द्वारा मळी शकशे। तो आवी रीतनी आ सरळ प्रोसेस छे। हाँ तो मित्रों, आ रीतना तमे रजिस्ट्रेशन कर्या बाद तमारी तमाम डिटेल नाख्या बाद ऑनलाइन फी भरशो, અને જેવી તમે ઓનલાઈન ફી ભરશો તો તમારું સબમિશન થશે અને ત્યાર પછી સર્ટિફિકેટ તમને ઘરે મોકલવામાં આવશે। સાથે સાથે એક એ પણ સુવિધા છે કે તમે આગળ જઈ અને કદાચ 2-4-5 દિવસે એ પણ તપાસ કરી શકો છો કે તમારે આ સર્ટિફિકેટ મોકલવાની પ્રોસેસ ક્યાં પહોંચી છે, એટલે કે મોકલવામાં આવેલું છે કે નહીં, ઇન પ્રોસેસમાં ક્યાં પહોંચ્યું છે। તો ખૂબ જ સારી સેવા છે, ખૂબ જ સરસ મજાની આ સાઇટ છે, તમામ લોકોને જાણ હોવી જોઈએ, કારણ કે જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તમારે આ સર્ટિફિકેટની જરૂર પડવાની જ છે। તો આ વિડીયોને તમામ લોકોને ફોરવર્ડ કરો, તમારા સર્ટિફિકેટ તમારી ઘરે હોય તો બી ફોરવર્ડ કરો, કારણ કે કોઈક ને કોઈક એવું હશે જેના સર્ટિફિકેટ એને જોતા હશે। તો આવા જ ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયો સાથે હંમેશા આપણે આ ચેનલ ઉપર મળતા રહેશું। આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો, શેર કરો। નમસ્કાર।